दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है। सरेआम गैंगवॉर और दिन दहाड़े गोलीबारी के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है कि जब उनके घर के 20 किलोमीटर दायरे में कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है तो देश की सुरक्षा कैसे होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। केजरीवाल ने दिल्ली का क्राइम मैप जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कितनी गंभीर आपराधिक घटनाएं हुई। उन्होंने कहा है कि 2022 में 501 मर्डर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक हैं। हाल ही में यमुना पार में हुए गैंग वॉर में 20 लोगों की जान चली गई। कल मैं नांगलोई गया। नांगलोई में कुछ दिन पहले रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने 8 बजे सुबह दुकान खोली। 9:15 बजे उनके दुकान पे दो मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया। रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशनलाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले एक साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जो जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे, और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं? एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो असुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए दो लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं। बिजनेस करना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है, और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली ना केवल असुरक्षित है, बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं, उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चारों तरफ लोग डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।